नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। देश में बढ़ती महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर मुंबरा के एमएस कॉलेज के छात्रों ने और टीचरों ने एक रैली का आयोजन किया। ये रैली एमएस कॉलेज से लेकर एमएम वॉली तक निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य था लोगों को इसके खिलाफ जागरूक करना। आइए हम जानते हैं उनसे कि यह रैली किस उद्देश्य से निकाली गई है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, वुमेन हरासमेंट यह एक ऐसी समस्या है सर, जो आज एक हर गली गली हर देश की समस्या बन गई है, वैसे हमारे देश की समस्या बन चुकी है। इसके लिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी हमारी तरह से अवेयरनेस फैलाइए और लोगों को बताइए कि जिस तरह से मेन इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, उसी लिए वुमेन भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। मेरा नाम राहुल जायसवाल है। अगर भगवान ने मुझे यहाँ पे भेजा तो गारंटी तो उसको भी नहीं था कि राहुल धरती पर जाके लायक या नालायक बनेगा, किसी का गारंटी नहीं होता। बट एक होप होता है कि हो सकता है, तो ये सब होप हमें जगाना था। अगर होप जगेगा तो ही आगे देश बढ़ेगा। सर हम जागरूक कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब इंसान खुद से सोचे। हम तो अपना कर देंगे, बट इंसान को तभी होगा जब वो खुद से सोचे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जागरूकता तो फैला सकते हैं पर किसी इंसान से नहीं, उसे जब तक वो खुद से नहीं सोचेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता रिश्ता। मैं इतना कहना चाहूँगी, सेव गर्ल चाइल्ड का मतलब होता क्या है? आज भी इंडिया में कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ सेव गर्ल चाइल्ड नहीं है, बिकॉज थिंकिंग लोगों की माँ चाहिए, बहन चाहिए, भाऊ चाहिए, तो फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? या बेटी तुम्हारा कुछ बिगाड़ती है? नहीं। फिर भी आज कुछ कंट्री में ऐसा है कि बेटियों को ना तो एजुकेशन दी जाती है, ना तो उनको सपोर्ट किया जाता है, इनफैक्ट उनको तो पढ़ाई भी नहीं अवेलेबल किया जाता, बिकॉज बेटी है, क्या करना है? चूल्हा करना है, शादी के बाद चूल्हा करना है। क्यों? हर चीज़ क्या लड़के कर सकते? लड़के शान है, तो क्या लड़कियाँ मान नहीं है? इसलिए ये रैली निकली गई थी। और मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ कि मैं एमएस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। जैसे हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, वैसे हमें हमारे देश को भी अपना हमारा घर समझना चाहिए और हमें यहाँ पे साफ सफाई रखना चाहिए। देखिए कैसा होता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा था कि हमारा भारत स्वच्छ होना चाहिए। ये सपना शायद उनका नहीं है, ये पूरे देश का है, लेकिन लोगों को लगता है हम क्यों करें, क्योंकि कचरा फैलाने के लिए हम ही आते हैं। हम देखते हैं दूसरे कर रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न हम खुद से पूछे, ये भारत साफ सुथरा क्यों नहीं है? ये प्रश्न कहाँ से आता है? आसपास जो कचरा है वो किसकी वजह से आता है? हम इस कचरे के पास क्यों रहते हैं? ये लोगों ने नहीं फैलाया, ये हमने फैलाया है। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही थी कि अगर हर भारतीय सोच ले कि हमें कचरा नहीं करना है, 133 करोड़ लोग, यानी कि मान लीजिए 130 करोड़ के आसपास लोग भारत के सोच ले कि हमें कचरा नहीं करना है, तो बाहर वालों की किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे भारत को कचरे वाला बना सके। अब हो रहा है स्वच्छता अभियान भारत में एक नाटक। हम उमरा वाले भी ना बड़े कमाल के हैं। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, हमने से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन फिर हमने वही किया, पैम्पलेट कैप रैपर्स ना फैल के हमने ही इसे गंदा भी किया। आखिर सब लोग ऐसे ही, तो मैं क्यों कचरा उठा के डस्टबिन में डालूं? मेरे एक एक करने से थोड़ी कुछ होता है। आप अपने आप से पूछो। Hey dude, California is such a nice and clean place. And look at India, man. रुको, आपने कचरा डस्टबिन में नहीं डस्टबिन के बाहर फेंका है। शहर में नहीं दिखते हो क्या? जी हाँ नए हैं। तो दिखाई नहीं देता, कचरा डस्टबिन के अंदर है। जी नहीं, ये कचरा डस्टबिन के अंदर नहीं, डस्टबिन के बाहर है। अरे यार एक ही बात, दिमाग मत खराब करो। राजू चलिए कचरा उठा के दूसरे वाले की दुकान के सामने कर, चल चल। ये इमारत कितनी खूबसूरत है, इसे देखकर नाम लिखना तो बनता है प्यार से, चंदू। आज से ये इमारत मेरी हुई। अरे ये मोमोज कितने अच्छे हैं, मगर इसमें मिर्ची बहुत ज्यादा, यही फेंक देती हूँ। ये कचरा मैं क्यों उठाऊँ, आखिर सब लोग कोई साफ नहीं करता। आप कहते हैं कचरा हमने नहीं फैलाया, लेकिन क्या आपने उस कचरा फैलाने वाले को रोका? नहीं। क्या ये देश आपका नहीं? क्या इस आशियाने को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं? इस बार शुरुआत करेंगे हम खुद से। संभल 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 बदल 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 संभल 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 जरा बदल 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 जरा असल ये तेरी चाल है, असल ये तेरी ढाल है, तू पुतला खून मांस का, तू पुतला है, कमाल है, कमाल है, भविष्य में कमाल है, संभल।
तो आपने सुना जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना, लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरूक करना, किस तरह से अपने घर और मोहल्ले को साफ सफाई से रखा जा सकता है। और इन्होंने नाटक के जरिए भी ये समझाने की कोशिश की कि जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसको भी रोकना चाहिए, खासकर युवा वर्ग को जो है अपनी सोच बदलनी चाहिए, महिलाओं के खिलाफ जो है वो अपनी सोच बदले, जो छोटी बच्चियों के साथ वारदात होती है उनके उन पर खास तौर पर उन पर जोर दिया गया कि देश में इस तरह की वारदातों पर लगाम लगनी चाहिए। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।